एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता स्वागत तो करो हमारा अरे तेरे को दिखता ही वैसा कितने आदमी है स्वर हमेशा ग्रुप में शिकार कौन बचाएगा राधे को कैसे होगी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग दोस्तों स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए बल दोस्तों वीडियो में वापस आते हैं वो रैम्बो का बाप है टर्मिनेटर का चाचा रॉकी का दादू है और ब्रूसली का नाना है वो द बेस्ट एक्शन हीरो है जिनकी मूवी वांटेड टू जल्दी हमारे बीच रिलीज होने वाली है जिसमें राधे का किरदार एक बार फिर से सलमान खान निभाएंगे और उनका साथ देंगी कियारा आडवाणी तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि राधे जानवी को गुंडों से बचाने में तो कामयाब हो जाता है लेकिन वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान है कि उसके दो सबसे बड़े दुश्मन पावले भाई और गनी भाई एक हो गए हैं और दोनों मिलकर उसे मारने की साजिश रच रहे हैं पावले भाई ने इंडिया के सबसे बड़े किलर को राधे को मारने का ऑर्डर दिया है और उसे इसकी सुपारी भी दे दी है अब इसके आगे कहानी में जानते हैं क्या होने वाला है राधे मुंबई की लोकल ट्रेन में रात के समय में ट्रैवल कर रहा होता है ट्रेन में कुछ ही लोग बैठे हुए हैं और राधे खिड़की की सीट पर आराम से बैठा होता है कि तभी कोई आकर उसके बगल में बैठ जाता है राधे मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो वो जानवी होती है राधे उससे कुछ भी नहीं बोलता और खिड़की से बाहर देखने लगता है और इसके बाद जानवी राधे से पूछती है आज तुमने कितने खून किए ये सुनकर राधे जानवी की तरफ देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा मैं क्या तुम्हें कोई साइको किलर लगता हूँ और ये सुनकर जानवी थोड़ा कैजुअली बोलती है अरे नहीं मुझे लगा कि तुम गुंडे हो ना तो हर रोज़ किसी ना किसी का खून तो करते ही हो और ये बोलकर जानवी अपने बैग से लंच बॉक्स निकालती है और उसे राधे को दे देती है और बोलती है ये लो इसमें बिरयानी है तुम्हें पसंद है ना खा लो और ये सुनकर राधे कंफ्यूज फेस के साथ जानवी को देखता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे बिरयानी पसंद है और ये सुनकर जानवी हंसते हुए बोलती है वो जब तुमने मुझे किडनैप किया था ना तब मैंने तुम्हें बिरयानी खाते हुए देख लिया था और इसके बाद राधे कुछ बोल पाता उससे पहले एक मोटा और काला आदमी पीछे से कट्टे से उस पर हमला करता है लेकिन राधे को उसकी परछाई शीशे में दिख जाती है और वो जल्दी से उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद कई सारे गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं जिसे देखकर जानवी भी डर जाती है राधे एक के बाद एक सभी को मारना शुरू करता है कुछ ट्रेन से बाहर गिर जाते हैं तो वहीं कुछ लोग ट्रेन के सीटों पर लहू लुहान पड़े होते हैं। सभी को मारने के बाद राधे तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोलता है दानियाल बाहर आओ मुझे पता है कि तुम यहीं हो ये यह सुनकर दानियाल दूसरी वाली बोगी से अंदर आता है उसके हाथ में एक गन होती है जो वो सीधा राधे की तरफ पॉइंट करते हुए अंदर आता है और फिर उससे बोलता है राधे एक बार फिर मिलना हो ही गया हमारा एक समय था जब हम साथ में काम करते थे और आज तुम्हें मारने का मुझे सुपारी मिला है और ये सुनकर राधे बोलता है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे ये सुनकर दानियल अपनी कन को फेंक देता है और बोलता है चलो अब होगी बराबरी की लड़ाई दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों की हाथापाई जानवी खड़े होकर देख रही होती है दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ रखा होता है राधे उसे खींचता है और ट्रेन के दरवाजे के बाहर लटका देता है दानियाल उसे छोड़ने की भीख मांगता है और राधे उसे छोड़ देता है दानियाल ट्रेन से बाहर गिर जाता है फिर राधे जानवी के पास आता है और उससे बोलता है क्या तुम मुझे पूरी जिंदगी झेल पाओगी इस सुनकर जानवी अपना सर हाँ हिलाती है और राधे बोलता है ठीक है आज ही हम ये मुंबई शहर छोड़कर जा रहे हैं और राधे अपना पास पीछे छोड़कर एक अच्छे फ्यूचर की तलाश में जानवी के साथ निकल जाता है लेकिन क्या वो चैन से जी पाएगा या फिर आएगा पार्ट थ्री वैसे दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा एंड दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सेफ रहिए मुस्कुराते रहिए बा बाय